गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन क्लासेज। इन लास्ट फोर और फाइव क्लासेज वी डिस्कस्ड अबाउट अल्कोहल एंड फिनॉल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। And in last class, we discussed that the method of formation of ethers. And this is our last class of this chapter, alcohol, phenol and ether. And in this chapter, we will discuss about first of all, physical properties of ethers. And then we will discuss about chemical reactions of ethers. So let's start. Physical properties of ethers. Know that the CO bond in ether are polar, means jo ROR bond, means this bond CO bond, this bond is polar, means the electronegativity of carbon is higher than the electronegativity of oxygen is higher than carbon, means there will be partially negative charge on oxygen and there will be partially positive charge on carbon, so this bond will be polar. Okay, the weak polarity of ethers do not appreciable affect their boiling points, which are comparable to those of the alkenes of comparable molecular mass, but are much lower than the boiling points of alcohols, as shown in the following cases. In lineon ka matlab ye hai ki jo ROR bond hai, ye wala bond पोलर होता है, पोलर नेचर का होता है, लेकिन ये जो पोलरिटी होती है वो लोअर पोलरिटी होती है, इसलिए ये जो ईथर्स की जो पोलरिटी है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। इस कारण से जो ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से तो कम होता है, लोअर देन अल्कोहल्स बट हायर देन एल्केन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 309.1 केल्विन एंड ईथर्स बॉइलिंग पॉइंट इज 307.6 केल्विन, मींस बिल्कुल नियर है एल्केन के, बट द ब्यूटोन वन ओल इसका बॉइलिंग पॉइंट 390 मींस 390 केल्विन होगा। द रीजन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because of hydrogen bonding. The large difference in boiling points of alcohols and ethers is due to the presence of hydrogen bonding. मैंने पहले ही बता दिया कि alcohols का boiling point ether से बहुत ज़्यादा होता है because of hydrogen bonding. Okay? अब हम लोग इन लाइनों का मतलब समझते हैं। ये लाइनें ईथर की सोल्युबिलिटी को समझाती हैं, ईथर की सोल्युबिलिटी को समझाती हैं, मींस ईथर जो है वो अल्कोहल के समान ही वाटर में सोल्युबल होता है, जबकि एल्केन्स नहीं होती हैं। तो इन लाइनों का मतलब ये है कि ईथर भी वाटर में सोल्युबल होता है और अल्कोहल भी सोल्युबल होता है। एंड द रीजन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर एंड अल्कोहल इन वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, ईथर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये ईथर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये जो होगा वो सोल्यूबल हो जाएगा। ओके, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई कि जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है या ईथर में जो CO बॉन्ड है वो पोलर होता है, लेकिन इसकी पोलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। इसलिए जो ईथर्स है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो नियर टू इक्वल एल्केन्स होते हैं, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से बहुत लोअर होते हैं, और उसके लोअर होने का कारण होता है
hydrogen bonding in alcohols. And second concept is that the solubility of ether and alcohols is almost same in water, because ether is also formed hydrogen bonding with water molecules like alcohol. जैसे alcohols hydrogen bonding करते हैं water molecule के साथ और dissolve हो जाते हैं water में, वैसे ही ether का oxygen भी hydrogen bonding करके dissolve हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं chemical reactions of ether. अब basically मैं दो चीज़ें बताता हूँ आपको. देखो, ईथर में क्या है कि एक आर ओ आर बॉन्ड होता है. कौन सा बॉन्ड होता है? आर ओ आर बॉन्ड होता है. और यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर हमें क्लीवेज करना है, मीन्स हमें सी ओ बॉन्ड को क्लीवेज करना है, तो हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एच एक्स से, हाइड्रोजन हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे. किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड से, एच एक्स से ईथर की रिएक्शन करवाएंगे, अगर सी ओ बॉन्ड को क्लीवेज करना है तो. ठीक है, जब हम लोग, सीधा सा कंसेप्ट है कि जब हम लोग ईथर की रिएक्शन एच एक्स से करवाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईथर की रिएक्शन एच एक्स से करवाएंगे, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एच इसके साथ चला जाएगा तो एक्स आर के साथ आ जाएगा, तो आर एक्स और अल्कोहल बन जाएगा हमारा. अगर आर ओ एच की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? आर एक्स और एच टू ओ बनता है. क्लियर हो गया? मीन्स अगर हमें ये ईथर है, इसकी रिएक्शन हम लोग एच एक्स से करवाएंगे तो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी. मीन्स एक तो हमारा बनेगा आर ओ अल्कोहल और एक हमारा बनेगा एल्किल हैलाइड. फॉर एग्जांपल वही अगर हम लोग एरोमेटिक ईथर की बात करें तो वही ये एच इसके साथ जाएगा, आर एक्स इसके साथ जाएगा, फिनोल बन जाएगा. दैट्स क्लियर. ईथर्स विथ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर ऑल्सो क्लीवेड इन द सेम बॉन्ड. अगर हम लोग ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग ले लें, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या ले लेंगे? अलग अलग, और फिर इसकी एच एक्स से रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किल हैलाइड बनेगा और अल्कोहल बनेगा. समझ में आ गया? तो बस एक सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रख लेना कि जब भी ईथर एच एक्स के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? एच एक्स के साथ, तो सी ओ बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा और एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्किल हैलाइड बनेगा. The order of reactivity of hydrogen halide as follows. इनमें जो hydrogen halide HX यूज कर रहे हैं उनमें reactivity का order क्या होगा? सबसे ज़्यादा reactivity HX की होगी, then HBr की होगी, then HCl की होगी. ये भी आप लोग ध्यान रख लेना. ठीक है, आगे चलते हैं. The mechanism of दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या होती है? देखो, अगर हम लोग ईथर की रिएक्शन एच आई के साथ कराते हैं तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मीन्स इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है और ये वाला कंसेप्ट बन जाता है. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव आई माइनस यहाँ से निकल जाएगा. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? देखो, सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? देखो, अगर हम लोग सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो पहले इसका कंपैरिजन अगर हम लोग इससे करें, अल्कोहल से करें, तो अल्कोहल की क्या रिएक्शन होती है? या फिर हम लोग अगर सेकंड स्टेप की एक बार बात कर लें तो मैं बता देता हूं आपको सेकंड स्टेप में क्या होगा. यहां पे सब कुछ मिसिंग है. तो जो हमारा ये बना है सी एस थ्री ओ एच पॉजिटिव सी एस टू सी एस थ्री, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप में बना है. अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ से ये सी एस थ्री एलिमिनेट हो जाएगा. तो सी एस थ्री एलिमिनेट हो जाए तो क्या बन जाएगा? सी एस थ्री सी एस टू ओ एच. समझ में आ गया? आगे चलते हैं. देखो, ये हमारा बन गया सी एस थ्री सी एस टू ओ एच. अब वापस इसका प्रोटोनेशन होगा और ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच टू. ओ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अब देखो, ये जो आई नेगेटिव निकला है इसके बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से एस्टो निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो, इथाइल आयोडाइड. तो तीन स्टेप में ये रिएक्शन हुई है. समझ में आ गया? अब देखो, इस बेसिस पे हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है. तो देखो, इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है. तो एक हमें बनाना है अल्कोहल और एक बनाना हमें एल्काइल हैलाइड.
तो हमें ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो अगर ये CH3 निकलता है तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर ये वाला ग्रुप निकलेगा तो क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। एंड टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो हम लोग ये मोर स्टेबल होने की वजह से हम लोग इस कार्बोकैटायन का आयोडाइड बनाएंगे। तो देखो ये वाला हमारा आयोडाइड बन गया है, मीन्स जिस एल्काइल ग्रुप से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, समझ में आ रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस एल्काइल का हम लोग एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, ये देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख सकते हो। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ से देखो CH3OH निकल गया, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ने I- के साथ रिएक्शन की, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड, टर्सी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया है बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं ये, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी है। अगर हम लोग इस वाले ईथर की बात करते हैं और इनकी HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक बॉन्ड ये टूट सकता है, एक बॉन्ड ये टूट सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखो तो देखो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा एक, तो और ये CH3, और एक ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, कौन सा, CH3 और CH2। देखो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसकी अल्फा पोजीशन पे केवल एक ही हाइड्रोजन है, जबकि इसकी अल्फा पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है। तो ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, CH3 CH2+ मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होने से वजह से इसका क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा। आप लोग चेक कर लो, चाहिए क्लियर हो गया, बिल्कुल। अगर इसकी बात करें तो एक ये वाला बॉन्ड टूटे, एक ये वाला बॉन्ड टूटे, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो मैंने कहा मोर स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का क्या बन जाएगा, आयोडाइड। ठीक है, अगर इसमें ये वाला कराएं तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और इधर बनाएं तो ये वाला बेंजीलिक कार्बोकैटायन बनेगा, और बेंजीलिक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो इसका हमेशा क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारी ईथर की। सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक ईथर्स में पढ़ेंगे हम लोग। ये वाला एरोमेटिक ईथर है, तो इसमें एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड कैसे रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें जो R ग्रुप है इसका प्लस R इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लस आर इफेक्ट होगा, और प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से ये वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मीन्स अगर हम लोग इसमें ईथर में बात करें तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मीन्स जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। वो कैसे, क्योंकि देखो हम लोग इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखो, देखो इसकी ऑर्थो पैरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट मींस जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। फॉर एग्जाम्पल पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हेलोजिनेशन का, जब हम लोग एनिसोल का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट, सॉरी पैरा प्रोडक्ट बनेगा और ऑर्थो, देखो ऑर्थो प्रोडक्ट जो सॉरी पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो माइनर कौन सा होगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हमने खूब डिस्कस किया है, दो रिएक्शन होंगी, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में इसी तरह की रिएक्शन एनिसोल की करवाएंगे CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे ऑर्थो पे CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही एसाइलेशन की बात कर लें, एसाइलेशन में आपको पता है कि हम लोग किससे रिएक्शन करवाते हैं, CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। ऐसे ही अगर हम लोग इसका नाइट्रेशन करवा दें कंसनट्रेट H2SO4+HNO3 से, तो वही सीधी सी कहानी है, NO2 ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे।
और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस किसके एग्जांपल हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज हमने डिस्कस कर लिया है। क्या क्या डिस्कस किया आज हमने, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर डिस्कस कर लिया है और हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर डिस्कस कर लिया है। अब आपका जो प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग टीचर से बात कर लो। तो आपको जो भी एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करें सारी की सारी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम है आप लोग निकालो, फिर कोई भी इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, जितने वीडियोज आपको दिए हैं उनको सारों को पढ़ के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जिस भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा हम लोग बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।